अस्सलाम वालेकुम। वालदा की रसोई में आप सबका इस्तकबाल है। आज हम बनाने जा रहे हैं मलाई कोफ्ते। इसके लिए ही हमने सामान लिया है, ये हम दिखाते हैं। दो आलू लिए थे बड़े बड़े, इसको हमने उबाल के और टुकड़ों में इसे काट लिया है। हमें इसे कद्दूकस करेंगे। थोड़ी सी हमारे पास ये मलाई आधी कटोरी, ये भी हम डालेंगे जब हम ग्रेवी बनाएंगे तब। और ये पनीर है, इसको हम कद्दूकस करेंगे। ये 250 ग्राम पनीर है हमारा। और ये जो ब्रेड है, इसमें से हम ये हमने ली है चार, अगर जितनी तीन की या दो ब्रेड की हम इसमें ब्रेड क्रम बना के तब इसमें डालेंगे जब कोफ्ते बनाएंगे। और ये हमारे पास ये चार टमाटर थे, हमने इसके छिलके उतार के इसको काट लिया है। इसको हम मिक्सी जार में चलाएंगे। प्याज है हमारे पास, ये तीन प्याज थी, इसको बारीक बारीक काट लिया, ये भी हम इसमें डालेंगे अभी ग्रेवी बनाएंगे तो। ये तड़के का सामान है, जीरा है थोड़ा सा, ये आधा चम्मच से कम है, चार इलायची हैं हरी, और ये लौंग है चार, और थोड़ा सा जीरा है और दालचीनी है, ये डालेंगे तड़के में। अभी हमने आलू को कद्दूकस कर लिया है, और ऐसी इसी तरीके से हम इसे पनीर को भी करेंगे। पनीर को भी हम ऐसे ये ऐसे कर लेंगे इसी से, फिर इसको हम मिलाएंगे पूरा। पूरा हम कर लेते हैं, अभी दिखाते हैं। ये थोड़ा सा हरा धनिया है, दो मिर्ची है, ये भी हम इसी में डालेंगे अभी बारीक बारीक काट के। ये हमने कद्दूकस कर लिया, ये पनीर भी और ये आलू भी। अभी हम इसे कोफ्तों को बनाएंगे। ये थोड़ा सा नारियल हमारे पास ये कच्चा, ये भी हम इसी में डालेंगे कोफ्तों में। ये हम इसके साथ ग्राइंड करेंगे, हरा धनिया हरी मिर्च के साथ इसको भी हम दरदरा करेंगे, इसी में डालेंगे। अब हमने ये नारियल और हरी मिर्च और धनिया ये हमने सब इसमें दरदरा करके और ये डाल दिया है। और हमने इसको ये जो हमने ब्रेड दिखाए थे उसका हमने ये ब्रेड क्रम बना लिया। अभी ये हम अपने कोफ्ते बनाएंगे तो उसमें मिलाएंगे। और अब हम इसमें ये हमने कढ़ाई रख दी है, इसमें हम तेल डालेंगे। और हम अपनी ये प्याज और ये जो है ये टमाटर इसमें सॉफ्ट करेंगे, अभी थोड़ा तेल डालेंगे उसमें, अभी दिखाते हैं। अब हमने ये गैस ऑन कर दी, अब इसमें पहले हम थोड़ा तेल डालते हैं ग्रेवी के लिए। हम इसमें ये प्याज और ये टमाटर अभी इसमें सॉफ्ट करेंगे और ये मसाला डालेंगे। ये चार 10-12 ये काली मिर्च है, चार ये लौंग है पांच, और ये थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा है, चार हरी इलायची है, थोड़ा सा जीरा है, ये हम पहले इसमें डालेंगे अभी। अब ये हम इसमें डालते हैं। अब इसमें हम ये प्याज डाल, हल्की सी पिंक करनी है, फिर हम इसमें अपने टमाटर भी डालेंगे, और ये थोड़े से काजू है ये भी इसी में डालेंगे, इसी के साथ पहले इसको थोड़ा पिंक कर लें। अब इसमें हम ये काजू भी डाल देते हैं, इसे भी थोड़ा हम चलेंगे। अब इसमें हम ये टमाटर डाल लेते हैं। टमाटर का हमने इसका छिलका जो है हटा दिया था, इसलिए ताकि ये ग्रेवी जो है एकदम मलाई कोफ्ते हैं ना, तो ग्रेवी जो है एकदम बढ़िया रखनी है, मलाई की तरह एकदम अच्छी लगे खाने में। और ये थोड़ा सा नमक डालते हैं इसमें ताकि ये टमाटर चल जाए, अभी सॉफ्ट हो जाए, फिर इसका हम मिक्सर में इसे पीसेंगे ठंडा करके। पहले हम इसे थोड़ा सॉफ्ट कर लें, अभी हम इसे ढक देते हैं ताकि ये 2 मिनट के लिए इसे हम ढक देते हैं मीडियम गैस पे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। अभी ये हो गया, अब इसको हम प्लेट में निकालेंगे, इसको ठंडा करके इसकी बनाएंगे पेस्ट। अब इसको हम निकाल, अभी निकाल के अब इसको हमने निकाल लिया, अब इसे ठंडा करके इसे पीसेंगे मिक्सी में। तब तक हम ये ठंडा होता है तब तक हम अपने ये कोफ्ते बना लेते हैं। इसमें हमने ये जो है हरी मिर्च और नारियल और ये धनिया ये हमने दरदरा करके डाल दिया। अब इसमें हम ये भी डालेंगे, अभी थोड़ा डालेंगे आधा, और हम बाकी का बाद में डालेंगे।
अब ये नमक है, ये थोड़ा नमक डालेंगे हम आधा चम्मच, और ये जीरा पाउडर डालेंगे आधा चम्मच, ये आधा चम्मच हम ये गरम मसाला डालेंगे थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा। ये हमारे पास ओरिगानो था, ये भी डालेंगे, अगर आपके पास है तो डाल दो, नहीं तो कोई बात नहीं, ये भी डल जाता है। थोड़ा सा डाला, थोड़ा सा हम ये चाट मसाला डालेंगे, ये आधा चम्मच। अब इसको हम मिक्स करेंगे, अब इसे हम मिक्स करेंगे पूरा। ये थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, अगर हम ये वाइट ग्रेवी वाले बनाते तो हम हल्दी नहीं डालते, इसमें हमने थोड़ी सी हल्दी डाली है, और थोड़ी सी मिर्च लाल, बस। अब इसको मिक्स करेंगे, अब इसे हम मिक्स हो गया बनाते हैं, छोटे बड़े चाहे जैसे बना सकते हैं अपने हिसाब से। अब ये इस तरीके से हम बना लेंगे ये सारे। अब ये कोफ्ते हमारे बन गए, अब इसे हम फ्राई करते हैं। तो हमने ये तेल डाल दिया इसमें, अब ये गर्म हो जाएगा थोड़ा तब करेंगे। अब इसको हम फ्राई करते हैं इसमें, अभी तेल जो है हल्का गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, मीडियम गैस पे सेकना है इसको, मीडियम आँच रखनी है। अभी हम अभी इसे हिलाना भी नहीं है, अभी थोड़ा सा ऐसे रखा रहने लेंगे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का हिलाएंगे, जब थोड़ा सा पहले हम इतने डालेंगे, अभी थोड़ी देर बाद दो एक मिनट के बाद इसको हिलाएंगे, अभी नहीं हिलाएंगे। अब इसको हम थोड़ा हिलाते हैं, इस तरीके से हम इसे हिलाएंगे, इसे गोल्डन फ्राई करना है, ऐसे हिलाते हैं हल्के हाथ से। अभी थोड़ा और होने देते हैं, उसके बाद हम भी हल्के हल्के ऐसे पलट देंगे इसे, इसे ऐसे पलट देंगे, बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत टेस्टी। आप भी हमारे तरीके से एक बार ट्राई करें, बहुत पसंद आने वाली रेसिपी है ये। अभी हमने सेक लिए, बहुत अच्छे बने, एकदम बढ़िया, बहुत टेस्टी। अभी हमने सेक लिए, निकाल लिए, अब हम दूसरे इसमें ये सेकने के लिए रख दिए हमने। अभी हमारे कोफ्ते जो है सीख रहे हैं, इसको हम ऐसे थोड़ा सा हिलाना है बस, अगर हम इसे ज़्यादा हिलाएंगे तो ये फट जाएंगे, इसलिए हम इसे ऐसे रखना है, इसकी शेप ख़राब नहीं हुए। हमारे कोफ्ते जो हैं ये हो गए, बस इतना ही करना है इसे, अब हम इसे निकालेंगे। अब इसे हम बनाते हैं, इसकी ग्रेवी बनाते हैं। ये कोफ्ते तो हमारे ये तैयार हो गए, हमने फ्राई कर लिए अच्छे से, इसको हम अभी हम इसकी ग्रेवी बनाते हैं। इसके लिए हम ये तड़के का सामान लिया है, दो तीन ये लौंग है, तीन लौंग है, थोड़ा सा ये दालचीनी टुकड़ा है, और ये हरी इलायची, थोड़ा सा जीरा, ये हम इसमें डालते हैं। अब इसमें हम ये फौरन से ये अदरक लहसुन की पेस्ट डालेंगे, हम और मसाला डालेंगे, ये एक चम्मच मिर्च है, एक चम्मच पिसी मिर्च, ये दो चम्मच धनिया, और थोड़ी सी ये हल्दी है आधा चम्मच से थोड़ी सी कम है। अब इसको हम भूनते हैं, थोड़ा सा पानी डालें। अब ये ऐसा हो गया, मसाला भून गया, इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाला था आधी कटोरी, ताकि ये मसाला जले ना। अब इसमें जो हमने अभी टमाटर और काजू और ये जो प्याज हमने पेस्ट बनाई थी, ये हम इसी में डालेंगे, पूरी डालेंगे पोंछ के, इसको भी भूनेंगे इसके साथ। अब इसे हम भूनेंगे इसके साथ, अब इसे हम थोड़ी देर ढक देते हैं,
ये अभी उछल लेगी ना, थोड़ी देर ऐसे रख देते हैं, उसके बाद देखेंगे। अभी ये मलाई जो है ये भी हम इसी में डालेंगे। अब इसे मिक्सी के जार में डाल के हम इसे चलाएंगे। इसमें अभी इसमें थोड़ा सा ये दूध डाल के तब पीसेंगे इसे। थोड़ा सा ही चलाना होता है, क्योंकि अगर ज़्यादा चलाएंगे तो ये बटर बन जाएगा, इसका मक्खन बन जाएगा, इसलिए हल्का सा चलाएंगे इसे। इसको थोड़ा सा और भूनेंगे इसे चलाते हुए, इसे चलाना है ताकि ये चिपके नहीं। काजू की पेस्ट होती है ना, तो इससे काजू से जो है मसाला चिपकने लगता है, तो इसको चलाना है। तब हमने ये भी हम इसमें डालेंगे। अभी ये हमने मिक्सर में ही चला ली क्रीम, मलाई जो थी हमारे दूध की, अभी इसमें डालेंगे। अब इसमें से हम ये थोड़ा सा ये निकालेंगे तेल। ये जब हम इसमें मलाई डालेंगे ना, तो ये सारा ये तेल जो है गायब हो जाएगा, इसका ख़त्म हो जाता है, ग्रेवी ऐसी हो जाती है थोड़ी। तो ये हम ऊपर से डालेंगे, थोड़ा सा निकाल लिया हमने, ये हमने थोड़ा निकाल लिया। अब इसको हम रख देते हैं। अब इसमें हम अपनी ये क्रीम डालेंगे, ये बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत टेस्टी। इसको भी थोड़ा चलाएंगे। ये मलाई कोफ्ता है, इसलिए ग्रेवी भी इसकी एकदम बहुत चिकनी रखनी पड़ती है, एकदम मलाई की तरह, ताकि खाने में जो है बहुत अच्छी लगे, टेस्टी। अब इसमें हम नमक डालेंगे। अब ये नमक जो है हम ग्रेवी का डालेंगे, कोफ्तों में हमारे नमक है, थोड़ा सा ही डाला है, आधा चम्मच नमक, अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालना। अब इसको थोड़ा सा भूनेंगे, हम अपने कोफ्ते डालेंगे। ये जो हमने पानी डाला थोड़ा सा ये मिक्सर जार में, यही डालेंगे हम इसमें थोड़ा, ताकि ग्रेवी जो है थोड़ी ऐसी हो जाए, बहुत ज़्यादा गाढ़ी जाए ना, थोड़ा सा डालें। अब इसमें हम अपने कोफ्ते डालते हैं। अभी ग्रेवी हमारी भुन गई, अब इसमें हम ये सारे कोफ्ते से डाल देते हैं। अब इसमें हम ये जो पानी है हमारा, ये जो हमने इसमें क्रीम बनाई थी, जो मलाई पीसी थी मिक्सर जार में डाल के, वो उसका पानी हम जो है थोड़ा सा इसमें डाल के, छोटी एक कटोरी, ये वाली एक कटोरी पानी था, अब ये इसमें हमने डाल दिया। अब इसको थोड़ा मिक्स करते हैं, थोड़ा अगर थोड़ा सा और डालेंगे, ताकि ये ग्रेवी जो बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी इसमें। ये इतना पानी और डालेंगे, एक कप बस, पहले डाल के देखते हैं, उसके बाद अगर कम लगेगा तो डाल। वैसे तो ये ऐसे रखते हैं, दो तीन मिनट तक बस पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना, बस अब एकदम ठीक है, ऐसे रखना है इसे। अब इसमें हम अपने ये कसूरी मेथी डालेंगे। बहुत अच्छे बनते हैं ये मलाई कोफ्ते। अब इसमें नमक रखेंगे हम, अगर नमक कम लगेगा तो डालें, इतना सा। बस अब इसको हम ढक देते हैं स्लो गैस पे, 2-3 मिनट के लिए बस ढकेंगे, उसके बाद देखेंगे। अब ये हमारे कोफ्ते जो है बन गए, ये मलाई कोफ्ते हमारे बन के तैयार हो गए। अब हमने से खाते हैं, अभी थोड़ी सी ये कसूरी मेथी डाल दी, धनिया, अभी इसमें हम ये जो हमने निकाली थी तरी, ये डाल दी। अब गैस को करते हैं बंद। अब ये डालते हैं थोड़ा सा गरम मसाला। बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में भी। अभी हम मलाई कोफ्ता हमारे बन के तैयार हो गए, आप देख सकते हैं कितने अच्छे बने, बहुत अच्छे, बहुत टेस्टी बने। आप भी हमारे तरीके से बनाएं, खाएं, और हमारी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दूसरी रेसिपी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।